जय हिंद सभी को। इस बार जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं एसएससी जीडी के कैंडिडेट जो 2021 वाले वैकेंसी के थे, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, उनका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग लेटर भी पहुंचना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग का लिस्ट है, एसएसबी वाले का लिस्ट है कि किस किस कैंडिडेट का किस बटालियन में अलॉट हुआ है, रिपोर्टिंग किस सेंटर में करना है। ये ऑफिशियल डाटा है बिल्कुल, और यहाँ कोई फर्जी वाला बात नहीं होता इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। यहाँ कोई यूट्यूबर आपसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 4 नवंबर 2022 का ये लेटर है, पीडीएफ है। इसमें बहुत सारा मतलब 2 PDF है और एक में 35 पेज है। देखिए कितना कितना कैंडिडेट है, लगभग 1678 कैंडिडेट एक पीडीएफ में, और एक पीडीएफ है। तो आप लोग ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप में जुड़े होंगे टेलीग्राम पर, तो उसमें ये हम भेज देंगे। और जो भी कैंडिडेट हैं इस बार ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, सबसे अच्छा सुझाव है यूट्यूब पर वीडियो वीडियो मत देखिए, किसी यूट्यूबर के चक्कर में मत रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए सीआरपीएफ वाला, उसमें देखिए, और एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, यही दोनों देखते रहिए। जो न्यू कैंडिडेट हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि जो नोडल एजेंसी होता है सीआरपीएफ होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका फिजिकल मेडिकल जितना भी काम करेगा वो सब सीआरपीएफ के अंडर होता है, चाहे सीआरपीएफ और फोर्स को अलॉट करे, उसमें उससे कोई मतलब नहीं है। अकेला सीआरपीएफ तो पूरा सब कुछ करा नहीं सकता, सीआरपीएफ बीएसएफ को भी लेगा, एसएसबी को भी लेगा, आईटी बीपीसीआई सब सबको लेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट किसका काम करेगा, सिर्फ सीआरपीएफ का, ठीक है। ये हम सबको बता रहे हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग देगा, जैसे अभी ये एसएसबी वाला ज्वाइनिंग दे रहा है, तो एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये लिस्ट मिल जाएगा, समझे कि नहीं। हो सकता है कि नहीं मिले, हम दे देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोलते हैं हम, जितना भी कैंडिडेट है एसएससी जीडी वाला, जब हम हैं तो फिर टेंशन नहीं लेना है कहीं भी किसी चीज़ में एसएससी जीडी। देखिए, और एक वीडियो हम बनाने वाले थे ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग का शेड्यूल को लेकर के, क्या क्या नाश्ता पानी मिलता है, कैसे कैसे आप 15 दिन से ज़्यादा अगर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो आपको वहाँ से भगा दिया जाता है, मतलब भगा नहीं दिया जाता है, हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग शुरू से शुरू करना पड़े या आपको दूसरे जगह जाकर के ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज दिया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा नाटक है जो कि आप नहीं करें, बचे रहें, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब एक तो मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, गाइडेंस देने वाला एक होना चाहिए। और हम सोचते हैं कि जो है अब इसे वीडियो था बना हुआ 2017-18 का मेरा, कौन खोज के देखेगा उतना पुराना, इसलिए हम नया सब कुछ फिर क्लियर कर देंगे। और जो भी नए कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी का, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। इस बार भीड़ होगा, देखिए भीड़ सही में होगा, लेकिन एसएससी जीडी है, 170 हाइट सबका नहीं होता है, सब तो रास्ते में ही रह जाएगा। उसके बाद फिजिकल है, मेडिकल है, आप लोग समझ रहे हैं, एग्ज़ाम इस बार अच्छा लेवल का होगा। अपना पहले जो है अभी समय है, ठीक है, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, आप लोग को डरवा दिया है कोई कोई, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, कौन बोलता है एग्ज़ाम जनवरी में होगा, हमको आश्चर्य लगता है सुनकर ये सब बात। तो आज अगर आप लोग मेरा बात सुन रहे होंगे तो याद रखिएगा, जनवरी उनवरी में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब बात हम वीडियो क्लास में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ताकि अफवाह ना उड़ाए, ताकि हम तो जानते हैं कि हम सही में सही सच बोल रहे हैं, इसलिए। तो चलिए, ये वीडियो छोटा सा बनाया इसीलिए आप लोग को बताने के लिए, एसएसबी वाले का जैसा आया है उसी प्रकार से आप लोग का भी आएगा, और यहाँ पे सैम मिश्रा लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, और जो है यहाँ पर आपका बटालियन दिया जाएगा, मतलब आप जहाँ पे करेंगे कहाँ क्या करेंगे, यही नौकरी करेंगे, और ये है आपका रिपोर्टिंग करना, यहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग करना है, समझे कि नहीं। सब कुछ सिस्टम है, आप पहुँचेंगे जगह पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर का टेंशन ना लें, अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, पोस्ट ऑफिस से आपका घर पहुँचने नहीं दिया तो आपका नौकरी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपसे अधिक रिकॉर्ड आपका वहाँ पर है, ठीक है, आपको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर आप ट्रेनिंग में जा करके बाहर निकलते हैं तो फिर पैसा भी देना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, ये सब सिस्टम बता देंगे धीरे धीरे। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए, ज़्यादा नाटक नहीं करना, अच्छे से रहिए, थोड़ा सा फिजिकल करते रहिए, हम सबको बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा दौड़ धूप चालू कर दीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग में सोचता है कि दिक्कत हो जाए। एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें न्यू कैंडिडेट पुराना कैंडिडेट सबके बारे में बड़ा ज़बरदस्त बात बताएंगे हम, जो जानना चाहिए, ये सब बात यूट्यूब पर नहीं करता है कोई, लेकिन हम करते हैं, इसलिए आप लोग समझिएगा, जानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया एसएससी जीडी पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है।